लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ पर्यटन स्थल सतरेंगा अब पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से बांगों के डुबान के पानी का विहंगम दृश्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। एक तरफ पर्यटन विभाग ने सतरेंगा बोटिंग क्लब एवं रिसोर्ट शुरू किया है, वहीं नौका विहार समिति द्वारा पहुंचने वाले सैलानियों को नौका विहार कराकर अच्छा रोजगार मिल रहा है। समिति के सदस्य व नाविक भंवर सिंह कंवर ने बताया कि नवंबर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, प्रति व्यक्ति 50 रुपए लेकर नाव में सैर करा रहे हैं। समिति ने एक साथ ज्यादा लोग बैठ सके इस उद्देश्य से दो नाव को जोड़कर एक बनाया गया है, जिसमें 8 से 10 लोगों को एक साथ नाव की सैर करा रहे हैं। 1 नवंबर से अभी तो अच्छा आ रहे हैं, जब ये पर्यटन विभाग खुला है तो अच्छा, इस साल अच्छा बढ़ाया। वो लॉकडाउन के चलते पिछले साल डाउन हो गया था, इस साल अच्छा है, पर्यटक अच्छा आ रहे हैं। सुरक्षा तो अभी हम खुद करत हैं, इसे होता खोर भी प्रशिक्षण करे हैं। हाँ। और कुछ वो रखे ना, जब नाव डूबेगा ना तो एक दूसरे नाव से जल्दी बचा लेंगे। अच्छा, और लाइफ जैकेट वगैरह कोई व्यवस्था? लाइफ जैकेट खुद बनवाए हैं, 30-40 तो है अभी, आने वाले समय में और नया बनवाएंगे। सुरक्षा के लिए समिति के पास महज 1-2 लाइफ सेविंग जैकेट है। समिति को शासन से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी नाव में लाइफ सेविंग जैकेट मिलने से पर्यटकों की जान भी सुरक्षित रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।